अभी ज्यादा मत बोलो। क्यों? तुम जब बोल रहे हो ना, मेरे को माइग्रेन हो रहा है। क्या मेरा इतना अच्छा जी रहा था मैं अकेला। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ, तुम तो माइग्रेन से ऐसे जाने वाले हो। What's up guys, welcome back to Tarunegi Vlogs। दिन हो चुकी है और अभी बजते 2। मैं जस्ट अभी उठा हूँ, छुट्टी का दिन है, ज्योति जा रही है जॉब पे, आज है फ्राइडे और मुझे लग रही है भूख, तो देखते हैं कि क्या पकाऊं। पकाने का मन तो नहीं हो रहा है, सोच रहा हूँ बाहर से मंगा लूँ। और गाइस सुबह उठते ही यार, लड़कों के बाल सुबह उठते इतने अच्छे क्यों लगते हैं? देखो अभी मैं नहा के आऊंगा और एकदम बेकार हो जाएंगे, फिर उसके बाद अच्छे से सच भी नहीं होंगे, अभी कुछ भी नहीं लगा रहा, देखो इतना बढ़िया होता है। और गाइस सबसे पहले हो जाते फ्रेशन अप और कर लेते ब्रश, उसके बाद कुछ बनाते हैं। और गाइस व्लॉग बनाने के चक्कर में एटलीस्ट घर की सफाई हो जाती है। देखो अभी ये बहुत गंदा था, पर व्लॉग बनाने से पहले मैंने देखा अरे कितनी गंदी फुटेज आ रही है, तो मैंने साफ कर दिया। Everything is done. और हाँ अभी सबसे मेन काम तो रह चुका है। तो गाइस मैंने डिसाइड किया है चाय बनाने का। चाय बोल चुकी है और लास्ट में ये गेम कौन खेलता है कि एकदम ऊपर तक उबलने दो और फिर कम कर दो, फिर उसको नीचे जाते देखो, फिर जैसे नीचे आएगी फिर उसको वापस लाओ ऊपर और एकदम एच तक लाना है और उसको वापस नीचे कर दो। कौन खेलता है ऐसा गेम गाइस? और कोई है मेरे साथ वाला? गाइस यही तो जिंदगी का मोटिव है, छोटी छोटी चीजों में कुछ भी ढूंढना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो चाय इज डन एंड माय फेवरेट बिस्किट इज हियर, पार्ले जी। और गाइस किसी ने वो न्यूज सुनी पार्ले जी डार्क करके? पता नहीं गाइस हम तो यही खा रहे हैं आज तक, पार्ले जी डार्क क्या आया है गाइस? क्या आप खाना चाहोगे पार्ले जी डार्क? A few moments later. तो गाइस ज्योति भी आ चुकी थी और मेरे को भूख भी लग चुकी थी, तो ज्योति और मैंने डिसाइड करा कि हम मंगाएंगे आज साउथ इंडियन। तुम्हें कितना पसंद है साउथ इंडियन, क्या नॉर्थ इंडियन, क्या पसंद है? बहुत। इसके ऐसे रहते हैं जवाब गाइस, सही है दोनों, ऐसी ठीक है दोनों, ठीक है, है ना, ठीक है ना सब कुछ, इसके लिए दुनिया में सब ठीक ही चल रहा है, वो तो अच्छा लगता है साउथ इंडियन गाइस। और गाइस ज्योति जब से आई है ना घर तब से लेट ही पड़ी है, हमने मूवी देखी मैरी क्रिसमस और उसके बाद ये लेट ही पड़ी है, अब इसको क्या चाहिए? दवाई लेने जाना है। यस गाइस ज्योति की ना हमें दवाई लेने जाना है अभी, ज्योति ने अभी हाल ही फिलहाल में डायग्नोस कराया कि उसको हो चुका है साइनसाइटिस। तो जैसे इसकी नाक चढ़ी रहती थी ना गाइस, तो उसकी अंदर से भी चढ़ गई है, अब इसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है और सर में भी दर्द रहता है, तो सही है ना, अब इसका सर भी दर्द कम हो जाने लग जाएगा, इसका अच्छे से दवाई खिलाएंगे गाइस तब मेरी जिंदगी सफल। ठीक है गाइस, इसका MRI कराया हमने और MRI मशीन में क्या टॉर्चर होता है यार, मतलब ये तो इसको तो सहना ही था टॉर्चर, इसने मुझे भी बुला दिया। मैं तरुण को अपने साथ ले गई अंदर। और गाइस मैं बताता हूँ क्या होता है, एक रूम होता है बंद सा, उसमें पेशेंट को लेटाते थे, उसका तो काम मिले इतना, इसका तो चलो इलाज हो रहा है। मेरी क्या गलती थी गाइस, मैं बैठा साइड पर, उन्होंने बोला कि मैडम आपको बुला रही है, मैं चले गया, मैंने बोला पता नहीं क्या ही चल गया, वो नर्स दरवाजा लॉक करके चले गई और मुझे बैठा दिया। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं बैठा, उसके बाद MRI मशीन में अंदर को गई, मैंने बोला सही है बढ़िया है, और वो घुटन हुई ना, मुझे उल्टी जैसा हो गया अंदर, इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक था अंदर, इसने मुझे तो बुला दिया अंदर। और उसके बाद ना जो टेस्ट ले रहा था वो कह रहा मैडम अपने सर मत हिलाए, उसके बाद फिर से चार चार मिनट वापस रिपीट घों घों घों। अरे मैं नहीं हिला रही थी सच में सर्वर, मैं देख रहा था तुम्हें, हाँ मुझे क्यों? मैं तुम्हें देख रहा था, तुम स्ट्रेट ही थे पर वो थोड़े थोड़े लिटिल एडजस्टमेंट होते हैं ना, वो जैसे सांस ले रही तो थोड़ा हिल गए, तो उसमें वो तुम्हें वापस रीटेस्ट करा रहा था तुम्हारा। और गाइस उस रीटेस्ट के बारे के चक्कर में मेरी पिस गई यार वहां पे, पर इतना कुछ सीरियस थी गाइस, डॉक्टर ने बोला दवाई खा के ठीक हो जाएगा, बस जो थोड़ा सा आपको
कोल्ड से ठंडा नहीं पीना है और क्या बोला है उन्होंने? बस गाइस वो हम ध्यान दे लेंगे इसका, वो तो कोई नहीं। चलो अभी हम इसकी दवाई लेने चलते हैं क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी चाहिए टेंशन फ्री। ठीक है चलो अब हम जाते हैं दवाई लेने। यस गाइस, और नीचे शायद मार्केट भी लगी है आज, तो देखते हैं मार्केट में कुछ मिलता है नहीं। क्या बोल रहे? अपना ब्रेन दिखाते हो सबको? ब्रेन दिखाते तुम अपना? ठीक है गाइस इधर आओ, पहले तो उसको देखो। ये नर्स, ये वो नहीं लग रही नर्स बंदन, ये ज्योति है गाइस, एग्जैक्ट कॉपी नहीं लग रही। देखो ऐसी तो होती है नन जो वो फोटो फ्रेम देख रहा होता है और एकदम से कैसे भाग के आती है फोटो फ्रेम से। क्या ये इसमें जैसे गोस्ट की आईज नहीं होती ब्लैक? गाइस मैं दिखाता हूँ तुम्हें नाक चढ़ना किसे कहते हैं। ये देख रहे हो गाइस क्या आपको इस वाले में और इसमें डिफरेंस दिख रहा है? सॉरी मैं हल्का पकड़ा है क्योंकि इसके तो राइट साइड में था ना। हाँ ये दिखाओ, क्या आपको ये थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा? दिख रहा है कैमरे में? यस ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ना गाइस, इसी को कहते हैं नाक चढ़ना जो कि ज्योति की चढ़ चुकी है। गाइस हमारा हो चुका है पोपट क्योंकि हमने मंगाया था एयर वो वाटर प्यूरिफायर और गलती से वो दूसरा वेरिएंट ले आया M2 और ये तो है M1। ये हमारे साथ ही क्यों होता है गाइस तुम बताओ? कोई तुमने एक अच्छा मॉडल मंगाया था पर वो लिया है लोअर वेरिएंट, अब हम उसे वापस करा दिया है, रिजेक्ट कर दिया। अब हम फ्लिपकार्ट वाले से बात करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं इस प्रॉब्लम को करता हूँ रिजॉल्व, तब तक हम जाते हैं दवाई लेने। यस, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है पोपट तो आप कमेंट में हमें शेयर करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? ये मैंने सपोर्ट मांगा, ये मुझे 500 रुपए की वो दिखा रही, देखो नोट पुराना वाला अभी, ये क्या सपोर्ट है कोई? तो गाइस इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। और गाइस अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंच गए हो तो हमें हाई कमेंट करना ताकि हमें पता चल जाए आपने ये देखा है। गाइस मुझे कितने सारे ऑफर मिले थे उसमें, मेरे सारे ऑफर वेस्ट हो गए। कितना डिस्काउंट मिला था गाइस, वेस्ट हो गई मेरी मेहनत। अगर कंपनी सही भेज देती तो व्हाई? तुम भी चलाओ व्हाई व्हाई। कंट्रोल देखो गाइस किसी अच्छे इंसान ने इनके लिए बिस्तर भी लाकर रख रखा है। ये बेगम मेरे सामने लेट जा। और पोपलू सो रखा है। ठीक है बढ़िया, तू ठीक है तेरा सब बढ़िया? ज्योति अपने ना बैग में बिस्कुट रख के रखती है अब से सबको खिलाने के लिए। ऐसे कुत्ते अच्छे लगते हैं जो बिना नखरे करे खा जाए। इसको देखो, इसको तो बेड सर्विस मिल गया। One eternity later. तो गाइस हमने ले ली है दवाई, अब हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा धनिया वगैरह सब्जी वगैरह लेना है। आज फ्राइडे है और आपको पता है फ्राइडे को क्या होता है? हम घुस चुके हैं मार्केट में, तो यहाँ गाइस सब्जी मिलती है, घर का सामान मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। सब अपनी गोल्फ कार्ट लेके आ चुके शॉपिंग करने। भैया ने हमसे खूब डील लगाई, भैया ने हमसे नेगोशिएट किया तगड़ा एकदम। कितने में फाइनल बोला? 250 करने का, अपने 200। अब हमने सेटलमेंट कर लिया, हमने 220 पे हम फाइनल कर लिया। चलो तो गाइस हमने ले अपने लिए ग्लास, हमने सब्जी भी ले ली है थोड़ी। कद्दू देखो गाइस कितना बड़ा है, कद्दू की सब्जी। गाइस इसको कद्दू ही नहीं पसंद, मीठा क्या करे इसका, क्योंकि हम लोग बचपन से ग्रीन वाला ही खाते हैं। पता नहीं यार इतना अच्छा तो होता है। गाइस ज्योति ने लिया आम पापड़, पापड़ भी नहीं है तो आम स्टिक्स है कुछ। ये मैं बहुत खाती थी बचपन में। कौन सा ये खाते थे तुम? होता क्या है ये? 4-5 साल की थी। मीठा मीठा होता है? नहीं ये भी मतलब वैसा होता है यार, चूरन जैसा खट्टा। पता नहीं क्या खाती थी ये बचपन में, तभी ऐसी हो गई है। तो गाइस सबकी गोल्फ कार्ट निकलते हुए बाहर और हमारी शॉपिंग तो बस इतने में हो गई। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी शॉपिंग से और हम अपने लिए देखो क्या क्या लेके आए। गाइस किसी को ये याद है इमली का लड्डू? इसने खाया नहीं है गाइस ज्योति ने, इमली का लड्डू। आज हम अपने लिए फ्रूट्स वगैरह लाए और गाइस देखो तरबूज कितना लाल है यार, मजेदार। आई लाइक इट। इसको इसके सॉकेट में डाल देते, घुस क्यों नहीं रहा सॉकेट में? ओ ये पजल पीस कर दिया हमने फिट। और हम लाए देखो गाइस पेट खराब करने का सामान, पेट ठीक करने का सामान और बॉडी फिट करने का सामान
और बॉडी अनफिट करने का सामान। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? तो गाइस हम आज अपने लिए लाए वाइन ग्लासेस। वाइन का तो पता नहीं पर अभी जूस जरूर मंगाऊंगा इसके लिए। हमारे चाइनीज ग्लासेस, वाओ तो चमक रहा है। क्या ये आम पापड़ मस्त हो रहा है। इतने टाइम बाद खा रही हूँ, खट्टा। गाइस क्या ये, मैं तो पूरा सिस्टम लिया से खतरनाक हो रहा है। बाप रे। और इतना सब कुछ अनहेल्दी खाने के बाद गाइस हम खा रहे हैं भुट्टा, क्योंकि ज्योति हो चुकी बीमार। ज्योति की दवाइयां देखो गाइस की। अरे वो एक माइग्रेन की और एक उसकी। अरे बाप रे, क्या सुन लिया गाइस मैंने, क्या जिंदगी में क्या आ गया मेरी, माइग्रेन। गाइस क्या हो, मेरा इतना अच्छा जी रहा था मैं अकेला। ठीक है मैं जा रही हूं। जाओ, तुम तो माइग्रेन से ऐसे जाने वाले हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या कह रहे तुम? क्यों? तुम जब बोल रहे हो ना मेरे को माइग्रेन हो रहा है, तो तुम्हारी ध्वनि मेरी फ्रीक्वेंसी को हिट कर रही है। गाइस आपने भी वो देखा है वाला बंदा, इसकी तो माइग्रेन हो रहा है मेरी बातें सुन के, पर आपको नहीं होगा। क्या आपने वो देखा वाला बंदा जो चोर बाजार में करता है 500 पैसे नहीं है। क्या बाय बाय ज्योति, बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। तुम्हारा माइग्रेन करवा रहा हूँ मैं तो, कोई नहीं। मैं तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड चीजों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे तुमसे दूर भी जाना पड़े मैं चले जाऊंगा। व्लॉग का मजा नहीं चले ना चले। थोड़ा ना जोर समझ के बोलो। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लास्ट में सुधर के जा, जा चली जा। शर्म नहीं आए हैं? तो गाइस आज हम लाए थे अपने वाइन ग्लास, तो आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं अपने चाइनीज ग्लासेस में चाइनीज वाइन पीते हुए। चीयर्स। वाओ बिल्कुल एपी फिज जैसी हो रही है ना, एकदम एपी फिज जैसी हो रही है गाइस, क्योंकि ये एपी फिज है। गाइस रिसेंटली मैंने इसको डिस्कवर करा, ये क्रैक्स का ये ऐसा आता है, अच्छे होते हैं, मस्त हो रहे, तो मैंने वापस मंगाए एपी के साथ। Cheers guys. Cheers. Cheers उन सबको जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं और जो लाइक करते हैं, उनकी लाइफ भी एकदम सेलिब्रेटेड, एकदम फिजी हो जाए, हो जाए। तो गाइस ज्योति ने खाई अपनी सारी दवाइयां और वाइन से ज्यादा उसे नशा हो गया दवाइयों से, वो अब सो चुकी है, मैं भी बस सो रहा हूँ। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।